गाइस वेलकम बैक टू अनदर गेमप्ले वीडियो ऑफ रेंट सिमुलेटर। और जैसा कि तुम सबको याद होगा, इससे पिछले एपिसोड में मैंने बनाया था एक जबरदस्त ग्रीन हाउस, और आज के दिन मैं करने वाला हूँ उसका पूरा इंटीरियर, और साथ ही मैं अपन सारे क्रॉप सुखाने वाले हैं उसके अंदर, जिससे कि अपने को तगड़ी कमाई होगी। और उसी के साथ साथ मैं बनाने वाला हूँ एक स्टोरेज रूम और एक छोटा सा एरिया जहाँ पे अपने सारे बर्नर्स रखे जाएंगे एक ही जगह पे। तो लेट्स गो। ओके गाइस, तो ये है अपना वो ग्रीन हाउस। और इसके अंदर ये क्या चक्कर है, एक सेकंड गाइस, कुछ तो डिफेक्ट दिख रहा है मेरे को। ये देखो, ये कांच का यहाँ पे गैप कम है, यहाँ आते आते ज्यादा हो जा रहा है। ऐसा क्यों भाई, साला डिफेक्टिव बनाया इन लोगों ने, पूरा वुड वगैरह पूरी ली इन लोगों ने, चीज डिफेक्टिव बनाई। चलो अभी जगह खाली करनी है, इससे पिछले एपिसोड में नहीं जगह खाली नहीं करी थी। और भाई अब सोचते हैं कि यहाँ पे क्या बनाना है, कैसे बनाना है। रुक जाओ, देखो मेरे पास बिल्ड बुक के अंदर इसमें चलते हैं, सेल्फ वगैरह है क्या। देखो फ्लोर है, ट्राइंगल है यार, कुछ टेबल वगैरह मिल जाती तो मजा आ जाता। टेबल्स नहीं है क्या, या फिर कबर्ड टाइप सा कुछ हो यार। ये फाउंडेशन वगैरह ही है। ओके टेबल है ना अपने पास, टेबल है। रुक जाओ, टेबल इसके अंदर है, इनके अंदर अलग अलग चीजें हैं। रुक जाओ देखने दो, ये है ये लैंप्स। ओके ओ भाई, ये लैंप्स यहाँ लगाते हैं, क्या तगड़ी लगेगी। एक दो भाई, अगर ऐसे लैंप अपन पूरे में लगा दें तो क्या मस्त नहीं लगेगी। रुक जाओ, इसके अंदर क्या मांग रहा है, ये मेटल मांग रहा है, चार मेटल तो मेरे पास होगा। अब इतनी फजी थी मत उड़ाना भाई, चार मेटल होगा। और भाई पिछले एपिसोड से इन यहाँ पे पूरी रेड मरी पड़ी है, इधर का भी कुछ तो करने का है मेरे को। रुक जाओ, क्या चल रहा है भाई, पिगीज के बच्चे। अबे नहीं यार, जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सारे मर के हो रहे हैं। लो अब तो है ही नहीं, अब तो बच्चा पैदा करने का सिस्टम ही नहीं है, एक गाय बची है बस, जो भी प्रेगनेंट नहीं है। लो कर लो बात भाई, सबसे पहले ना मेरे पास खूब पैसा है, इसे पिछली बार मैंने सबको बेच दिया था। और रुक जाओ, इस बार भी मैं बेच आता हूँ पहले, ठीक है, ये सब काम बाद में करेंगे। आज जो है पहले यार पैसा, भाई वो पैसे का सोर्स है, ये सोर्स अपन नया बना रहे थे, लेकिन ये नया सोर्स बनाने में अपना पुराना सोर्स की बैंड बज गई भाई। मुझे तो लगा था मजा आएगा और पैसा आएगा बहुत सारा, लेकिन नहीं, बैंड बजवा ली मैंने जोर। चलो भाई गाड़ी लेके चलते हैं, सारे कंटेनरों में भरते हैं अपन सबका मीट। और तो क्या ही बताऊं, कटोरी हटो, यही अंदर रहो तुम लोग, ये भरने तो भाई, ये सारा भर के मिलता हूं तुम लोगों से। रुक जाओ दो मिनट भाई, ये देखो ये एक और मरा पड़ा है। ये कहां से आ रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, अब क्यों मर रहे हैं भाई। पानी वानी नहीं है क्या इनके लिए, एक सेकंड रुकना, देखने देना, पानी वानी नहीं मिल रहा क्या इनको, किस चीज की कमी हो रखी है तुम्हारे जीवन में। पानी भरा पड़ा है भाई, ये पुराने ही मरे पड़े, मैंने देखे ही नहीं होंगे, इतने छोटे छोटे से नए नए पैदा हुए ना, सारे मर गए। ये लो बारिश, पता नहीं किस बात की आ रही है बारिश की। चलो भाई अभी मैंने सारा मटन वगैरह सब भर लिया है, मैंने इसको करते हैं बंद, ठीक है। और यहाँ पे पता नहीं वापस से, एक सेकंड मेरे को ये और टेस्ट करना है, क्या मैं सो सकता हूँ इतनी जोर से जब थंडर आ रखा हो। रुक जाओ मुझे टेस्ट करने दो, हट जाओ सब, हट जाओ अंदर से, यहाँ से जाने दो मुझे। ओ सो गया, ये सो गया लेकिन टाइम बराबर चल रहा, क्या मतलब हुआ सोने, पागल वागल साएगा तू बिल्कुल। गेट बंद कर दे, जाना पड़ेगा भाई ऐसे धुंध में जाना पड़ेगा, जो भी है बारिश में जाना पड़ेगा। और ये लेके नहीं जा रहा, बस इसमें मैंने भर दिए सामान, पैसा मेरे पास खूब पड़ा है, पैसे की तकलीफ नहीं है मेरे को। मैंने सोचा था आज के एपिसोड में ना फार्मिंग का आधा सामान ले आऊंगा, फार्मिंग तो छोड़ो, यहाँ पे मेरे सामान जो पुराने थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और अब मैं देखो, अब मैं थोड़ा दिमाग से खेलूंगा, सारे पिगीज बांध से बाहर करूंगा भाई, पिगीज नहीं रहने चाहिए। पिगीज भाई बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ते हैं, क्या ही बताऊं, खाना यूं खाते हैं भाई, एक चुटकी बजाते खाना खा जाते हैं। और अब तुम देखो मैं क्या लेके आने वाला हूं, इस गाड़ी को पहले तो आगे पार्क करो थोड़ा, जिससे वो निकले नहीं, अब आएगा ना मजा। चलो भाई अब मुझे दो, सबसे पहले तुम ठीक है, डेयरी का खत्म होगी ना मेरे पास, डेरी का हो, एक दो तीन चार, ओह शिट ये तो बहुत महंगी है। चलो दो ऐड करते हैं, बाय में चलते हैं। एक बुल चाहिए क्योंकि बुल सारे मर गए। बीफ का हो मेरे पास है, एक बीफ बुल चाहिए, ठीक है। साथ में गोट शायद दो, पता नहीं कौन कौन सी मेरे पास, मेल और फीमेल दोनों ऐड कर लेते हैं। और ये क्या ये सब आ जाएंगे, दो काओ एक डेरी बुल, नहीं ये गोट्स नहीं आ पाएंगे, चार ये शायद आ जाएंगे। तो ये चेकआउट करते हैं, देखते हैं एक बार, पहले इनको गाड़ी में रखते हैं फिर देखेंगे आगे। इसमें बैठ जा चुपचाप जा, अरे शिट हो गई यहाँ, नहीं 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 नहीं, ये सामान रख रहा हूँ बाहर, रख रहा हूँ रुक जाओ बस दो मिनट। चारों गाय बैठ गई है, इनको लेके चलते हैं घर पे, फिर गोट लेके आएंगे, पहले वहां देख लेता हूँ कौन सी, अगर मेल गोट हुआ वहां पे तो मेल गोट नहीं लाना पड़ेगा, फीमेल गोट ले आएंगे एक या दो, ठीक है। और बीफ काओ मैंने ले लिए, बीफ बुल ले लिया है मैंने, ठीक है। और तीन दो काओ नहीं ली है, और साथ ही साथ, अरे रे 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 रे, साथ ही साथ एक बुल लिया है, जिससे कि और काम भी चलता रहे, है ना। आ जाओ बस तुम लोगों को छोड़ने की आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पूरा रिकवर कर दिया, जितने लोग मरे थे ना वो सारे रिकवर तो हो जाते हैं अब, ये इसलिए मेरे को ना ज्यादा दिक्कत वाली बात लगती नहीं। बस हाँ ये जो नए बच्चे हुए होते हैं वो सब बैंड बज जाती है। लाओ भाई आओ, किधर जाओगे, कहाँ भागी इधर आ, इसको रखो यहाँ, इसको खोलो, अंदर आ जाओ फटाफट, हट जाओ। नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट इधर, कहाँ भागी तू भी आ जा अंदर की साइड, अंदर आ, अरे पागल से हो क्या, अंदर आ जा, अरे अंदर आ जाना गुरु, आओ बाबू अंदर आओ। चलो दो गाय अंदर ले आओ भाई, ये बीफ काओ कितनी बड़ी हो गई है, देख रहे हो तुम, साइज इतना बड़ा हो गया इसका, क्या पता अभी ये बुड्ढी हो गई हो। एक सेकंड, पति इसका बहुत बाद में लाए हैं अपन, पति इधर भागे मत, अंदर गाय है तेरे लिए, आ जा अंदर आ जा।
आजा अंदर। चलो बीफ का हो, इधर आ देख कौन लाया हूँ तेरे लिए। थोड़ा सा पतला मर्द है तो क्या हुआ, मर्द है वो, समझा ना। इधर चल भाई, जुगाड़ में लग जाओ अपनी। अरे इधर आ भाई, इधर देख कौन लाया, देख। अरे देख तो सही, मिल। अरे ज्यादा पापा बन रही है क्या, मिल ले उससे, ठीक है शांति से, ले लेके आया हूँ। भगो मत एक दूसरे से दूर, झगड़ा नहीं चाहिए मेरे को। भाईचारे के साथ रहो, भाई नहीं, भाईचारे के साथ मत रहो, सॉरी वो पति पत्नी के चारे, अरे हाँ पति पत्नी के चारे के साथ रहो। जल्दी अंदर आओ, तुम अंदर आ जाओ, बहुत जरूरी काम है, बंद करो गेट। चलो अब अभी सब कुछ सेट है। अब पिगीज मेरी बात सुनो, अगर तुमने बच्चे दिए, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है बच्चे देने की, ठीक है, कोई भी जरूरत नहीं है बच्चों की, हमको बहुत बच्चे हैं पहले। तू यहाँ आके बैठ गई, अच्छा बैठ गया तू, पागल वागल, तेरे को किस लिए लाया हूं मैं, लाया किस लिए पता है तेरे को, इधर आके बैठ, इसके पास में आके बैठ, इसके पास में आके बैठ, गप्पे लड़ा पहले, जान पहचान बड़ा अपनी, ठीक है। हाँ घर के बारे में बता, अपने घर तू कौन से खानदान से आया है। चलो अभी फिलहाल इसको करो बंद, सारे निकाल दिए मैंने, अब मुझे देखना है गोट कितनी है मेरे पास, क्योंकि यही दो कमाने का सोर्स है मेरे पास। ये क्या है, तू कौन सी है, अच्छा ये फीमेल है, ये मेल है, बस एक मेल बचा, एक फीमेल बचा है गोट के नाम पे, बाकी काउज ही काउज आ गई है गोट और इनके लिए। एक सेकंड भाई, बहुत पैसा है, जीवन भर का पैसा है, भाड़ में गई, आज के दिन में बना रहा हूँ दूसरा बान हाउस, बान हाउस तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, और वो जो मेरा ग्रीन है ना, ग्रीन हाउस, अरे बंद करो इसको, बंद करो, चिक्की निकल जाए, चिक्की तेरी हो गई, ग्रीन हाउस जो है ना, ग्रीन हाउस उसका भी इंटीरियर बनाऊंगा, रुक जाओ अंदर 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 बंद कर बंद कर बंद कर, देखना यार मेरे को, तुमको देख के मजा सा आ जाता भाई, जिस तरीके से तुम्हारी पैदाइश बढ़ रही है ना, एकदम बड़े जा रही, देखना देखना देखो कितने सारे बच्चे, लाइट बंद करके दिखाऊं मैं तुम लोगों, लेकिन यार ये बहुत करते हैं भाई, ये शिट बहुत करते हैं, बताओ ये एक एक शिट पकड़ पकड़ के मैं इनकी साफ करूं, मैं यही रह गया मेरे जीवन में। चलो भाई करो बड़े, करो यार इन बच्चों को बड़े करो, फिर बुढ़ापा आएगा तुमको, फिर तुम मर जाओगे, फिर तुमको मैं बेचाऊंगा। चलो भाई एक दो तीन चार पांच छह छह सात सात चिकीज घूम रही है, कोई छोटी बात है क्या। चलो आज के दिन क्या मैं दूध, हाँ आज के दिन मैं दूध निकाल सकता हूँ, लेकिन नहीं वो सारे नए लोग आए ना वो देंगे नहीं, तो कल एक साथ ही निकालेंगे, छोड़ो दिन के टाइम पे। अभी चलते हैं फटाफट से सोने, और भाई कल के दिन मैं बनाने वाला हूँ एक और बान हाउस, और उसी के साथ साथ और कुछ बन जाए तो वो बना लेंगे, बाकी इंटीरियर उसका सोचना है मेरे को, टेबल वगैरह लगानी है मस्त एकदम बढ़िया तरीके से, फिर रखूंगा सामान। और क्या अब बान में पार्टीशन निकाल सकते हैं, रुक जाओ, इससे पहले तो मैंने जैसा तैसा बना दिया था, इस बार मुझे ये देखना है क्या इसमें पार्टीशन बना सकते हैं। बिल्ड बुक में चलो ये चीजें हैं, ठीक है ये हैं, इसमें अगर अपन को ये लगा दें, ये लगा दें, और साइड में अगर मैं ये लगाना चाहूं तो नहीं लगेगा ना, हाँ सीधा सीधे बनेगा, जितना लंबा बनाना चाहो उतना लंबा बन सकता है, सीधा सीधा बनेगा, लेकिन ठीक है बनाएंगे इसको एकदम परफेक्ट वाला बनाएंगे। रुक जाओ अभी नहीं बना रहे, पहले भाई ग्रीन हाउस पूरा करूंगा, उससे पैसा निकालना है मेरे को, ठीक है, और सुबह पहले इन सबका दूध लूंगा। आ जाओ कौन सी है, तो वो नहीं है, कहाँ है, यहाँ से चालू करूँ क्या, नहीं वहीं से चालू। भाई तू प्रेग्नेंट हुई कि नहीं, अरे नहीं यार इनका काम नहीं चल रहा पता नहीं क्यों, तू दूध दे दे, चलो ये साथ ही देती है दूध, तू दे अब दूध, उसके बाद तू इधर आई, इसका काम हो गया अब तू बता। चलो अभी नेक्स्ट है अपने पास ये, बाकी वो तो बुल है, ठीक है चार गाय थी अपने पास, चारों पूरी हो गई है, ये दे दे रे, तो खाली कराता हूँ अभी, थोड़ा सा दूध और मिलेगा मेरे को पता है, एक दो तीन चार को खोलो। चलो भाई सारा दूध ले आया हूँ, इसको बाद में उबालेंगे, अभी पहले अपना काम करता हूँ मैं, इसके अंदर इंटीरियर बनाना। चलो अभी मेरे को जो है देखने का था टेबल, टेबल थी ना कहीं, तो टेबल देखी थी मैंने, रुक जाओ ये री टेबल, और लाइट्स के लिए मेटल लेने गया था मैं, हाँ वाह मैं क्या करके आता हूँ, क्या लेने जाता हूँ, मेरे पास कबर्ड्स भी हैं, ठीक है बेड वगैरह तो जो भी है, ओके ये सेल्फ भी हैं, लॉग रैक भी है, इसके अंदर क्या होगा, रैक देखनी है मेरे को भाई, एक तो मुझे देखनी है रैक, ठीक है इसके अंदर क्या होगा, इसको मैं यहाँ लगाने वाला हूँ एक सेकंड के लिए, 12 प्लैंक चाहिए ना, रुक जा 12 प्लैंक तो मेरे पास होंगे, ये रैक किस काम की, मुझे ये देखना, इसको डालो इसके अंदर, इसे उठाओ इसको डालो इसमें, ओके ये बन के रेडी हो गई, अब ये किस काम की है, किस काम की भाई, अभी काम की क्या काम आएगी ये भाई, तुम लोग कमेंट्स में बताना ये काम क्या आएगी, रैक कैन कंटेन लॉग्स और प्लैंक्स, ओके इसके अंदर लॉग्स और प्लैंक्स रख सकते हैं, कैसे जरा बताएंगे सर जी, बताएंगे जरा, ई टू पुट इन, 200 प्लैंक रख सकता हूँ इसके अंदर, ऐसी बात है क्या, अच्छा ये एक ही कितना इतना सा आ जाता है अब यार, अरे नहीं इधर नहीं चाहिए, लेकिन इधर नहीं, इधर से उठाओ, अब इसमें से पता नहीं कितने प्लैंक मिलेंगे, लो कर दिया कचरा, कर दिया 12 प्लैंक्स का कचरा कर दिया मैंने, खैर मुझे टेस्टिंग करनी थी, मैंने कर ली, बाद में देखेंगे वो कहाँ बनाना है क्यों बनाना है, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास था यहाँ पे सेल्फ्स, सेल्फ भी काम आनी चाहिए, रुक जाओ उसकी जगह मैं तो कह रहा हूँ ये रैक तो घर में बनती होगी, टेबल बनाते हैं, टेबलों पे सामान रख सकूंगा मैं स्टोरेज वाला, क्या ये अच्छी लगेगी टेबल भाई, ये चीज छोड़ो जिसलिए ग्रीन हाउस बनाया था वो चीज बना लेता हूँ मैं पहले, फिर देखेंगे इन सब चीजों के, मेरे को समझ में नहीं आ रही ये चीज। लाओ भाई लार्ज क्रॉप दो और इसको लगाना चालू करते हैं, यहाँ से कोने से लगाएं क्या, क्या कहते हो कोने से लगाएं, और हाँ ये टेबल पे रख सकते हैं क्या, अगर टेबल, अच्छा टेबल पे तो रख नहीं सकते भाई, टेबल इतनी छोटी है, इसको अपन रखना स्टार्ट करते हैं ऐसे, एक दो नहीं चुपका के रखते हैं, ज्यादा आएंगे, दो तीन चार, भाई ये देखो टेढ़ी बन रही है, थोड़ी थोड़ी टेढ़ी बन रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ये बनने दो भाई, कितने सारे पेड़ उगा सकूंगा मैं यहाँ पे एक साथ, देख रहे हो, और अभी एक लाइन नहीं है, एक लाइन इधर भी बना सकते हैं और एक लाइन चाहे तो बीच में भी बना सकते हैं, मैं इसको सेटल करता हूँ यार किसी तरीके से, रुक जाओ। ओके गाइस मैंने यहाँ पे पूरी लगा दी और अब देखो भाई वो मैंने पूरी उठा दी थी, उसके बाद देखो ये मैंने लगाए एक दो तीन, एक रूम में तीन है और वहां तक है भाई, और एक ही साइड लगाने वाला हूँ अभी एक बार के लिए, क्योंकि इसको बनाते बनाते बैंड बजने वाली है,
एक में 8 प्लैंक्स लगेंगे, ओ सॉरी एक में 18 शिट, अबे दो स्टैक प्लस दो स्टैक उसके ऊपर से दो अलग से ले रहा है ये, शिट ये तो बहुत सारे हो गए फिर तो, 1 2 3 भाई ये पूरे 36 हैं, शिट हो गई है तो गाइज 36 × 3 बहुत सारे गाइज बहुत सारे। क्या मैं ले आऊं बहुत सारे, क्या कहते हो मेरे को ले आना चाहिए? यार अभी काउज वगैरह भी आ गई, मैं ले आता हूं भाई, पैसा तो मेरे पास पड़ा है ना, पैसों की कमी नहीं है। कितना पैसा? 2000 रुपए पड़े, कमी छोड़ो तुम, कमी हो सकती है वैसे, लेकिन हाँ कमी क्यों होगी, अगर मैं वो बेच आऊं मेरे पास और पैसा आ जाएगा। क्या कहते हो गाइस, क्या कहते हो, ले आया जाए हार्डवेयर स्टोर से, बट उसके लिए पहले एक काम करना पड़ेगा, ये चीजें करेंगे ट्रांसफर इसके अंदर, ठीक है फिर चलते हैं हार्डवेयर स्टोर। अरे मैं कैसे जाऊं, अरे फिक्स हम फिक्स लगा दी मैं, ऊपर चढ़ अंदर बैठ हां अंदर बैठ, बस अभी ठीक है। लाओ एक एक सामान देते जाओ, 1 2 3 4 5 6 भाई सारे डब्बे रख दिए मैंने इसके अंदर। अभी चलते हैं डायरेक्ट बेस्ट बर्गर्स पे और उसके बाद चलेंगे हार्डवेयर स्टोर पे, देखते हैं कितने प्लैंक्स ला पाता हूं मैं। मेरे को वो 96 टाइम्स खरीदने पड़ेंगे, 96 टाइम्स शायद, 32 थे ना, और हर एक में, अरे हट जाना भाई गाड़ी, कौन सी रेड लाइट हो रही है, पागल वागल सा है क्या तू, थोड़ा सा सामने लाके ठोक दी, अच्छा खासी चल रही थी गाड़ी, हाँ पे था मैं, अरे कहीं पे तो था पता नहीं, छोड़ो जितने प्लैंक आएंगे बस ये कह रहा हूँ सारे ले जाऊंगा मैं। यहाँ मैंने पार्क कर दिया, अब चुपचाप मान लेना की यहाँ लोडिंग एरिया में रखा हुआ है सामान। लो वो आ गया, आ गया 3200 रुपए मिल रहे हैं इससे, इसे करते हैं सबको सेल, ठीक है 3200 रुपए आ गए। अब चलते हैं फटाफट से हार्डवेयर स्टोर पे और बस मेरे को बहुत सारा वुड मिल जाए, साथ में मुझे सीड्स भी खरीदने पड़ेंगे, फर्टिलाइजर भी खरीदना पड़ेगा, मतलब फर्टिलाइजर का तो ज्यादा काम नहीं है, फर्टिलाइजर का तो मैं देख लूंगा, और विंडमिल बनाना पड़ेगा मेरे को शायद एक और, क्योंकि इधर तक उसका इफेक्ट नहीं है विंडमिल का, देखी जाएगी भाई विंडमिल की देखी जाएगी, विंडमिल के लिए 1500 रुपए और चाहिए होंगे मेरे को, 1500 रुपए तो कभी भी आ जाएंगे। पहले वुडन प्लैंक्स लेके चलता हूं सारे, ओ यहां पे रखे हुए हैं पहले के भी, गाड़ी पार्क करो यहां पे डायरेक्ट, अब मेरे को खरीदने दो जल्दी जल्दी खरीद, देखो मैं डायरेक्ट $32 लेके जाने वाला हूं, ये हो गए 32 1200 के सिर्फ और सिर्फ, तो ये हो गए 64, अरे 64 खरीद ही नहीं सकता, 50 हो गए, चलो ठीक है 50 को मारो चेकआउट, और एक सेकंड माल ही माल हो गया भाई माल। अबे अंदर अला अंदर कौन रख के गया भाई इसके, यहाँ पे मुझे जमाने का है ना, अरे यार यहाँ कारीगर भी होने चाहिए यार, सामान रखने वाले कारीगर ही नहीं है। लाओ अंदर लाइट मारो, अब एक एक चीज पकड़ाते जाओ मुझको, ठीक है अंदर बैठ, एक यहाँ दिखता भी तो नहीं है इसके अंदर, 2 3 भाई हाथ में क्यों नहीं आ रहे हैं भाई, मैं जमा के मिलता हूँ, ऐसे नहीं जम रही। अभी गाइस फाइनली मैंने सारे जमा दिए, देखो पीछे भी पूरा भरा पड़ा है, आगे भी पूरा भरा पड़ा है, लाइट बंद करके देखो भाई, रात हो गई है, दिन से जमाने लगा हूँ, पता नहीं कितना टाइम हो रहा था उस टाइम, दिन से जमाने लगा हूँ, रात हो गई है इस टाइम, देख रहे हो गाइस स्ट्रगल डेज, कोई बात नहीं नौकरों से करवाएंगे, लेकिन ये नौकर होते भी तो नहीं इसके अंदर, वरना 5-5, 6-6 हज़ार रुपए तो मैं कमाने लग गया हूं, इतने तो नौकरों को दे दूं मैं ये लाने, सही बता रहा हूं, जितनी देर से इसको जमा रहा हूं ना, अगर कोई मुझसे 1000 रुपए भी मांगता तो नहीं देता, थोड़ी सी बार्गेन करके 500 रुपए तो दे ही देता उसको, देखो है और 500 रुपए कम नहीं होते भाई, इतना सा सामान वहां पे ट्रांसफर करने के लिए, घर पे बैठे नहीं मंगा सकते, क्या चाह रहा है ले लेना, गाड़ी ज्यादा भारी भारी हो गई क्या, दिक्कत क्या है ये बता, वो सही में भारी भारी हो गई भाई गाड़ी, बाकी सामान पूरा लिया इस ट्रक में, देख रहे हो तुम इस ट्रक में सामान पूरा आ गया एक बार में, इस सारा सामान लेके चलते हैं और अपना ग्रीन हाउस कंप्लीट करते हैं, और ये सारे पेड़ काट दूंगे यहाँ से, क्या कह रहे हो तुम लोग बताओ, तुम लोग कमेंट्स में बताओ, ये पेड़ काट दूंगे सारे, तो ये सारे पेड़ काट दूंगा मैं, पीछे लो पहले तो इधर लो फिर इधर लो, बस 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 सही लगाया एकदम परफेक्ट लगाया, गेट खोलो, अब ये एक एक करके पहले तो ये डब्बे नीचे उतारो, अब मुझे देते जाओ तुम ये, ठीक है क्योंकि ये डालेंगे बहुत भयंकर, इस वाली रो में नहीं डाल रहा अभी, ये बाद में देखूंगा, ये उठाओ इनमें नहीं यार, यहाँ से यार ये तो इधर स्टोरेज बनाना था ना, रुक जाओ ये क्यों बना रखे मैंने, ये उठाओ इतना बहुत है ठीक है ज्यादा नहीं, यहाँ से फिर भी तो शिट हो गई गाइस लाइट चली गई है, मैं एकदम भूत बन गया हूँ, भूत पे ध्यान मत दो तुम, इधर काम बिगड़म लाइट आ जाओ, ओके गाइस लाइट आ चुकी है वापस से, और मैं कहाँ पे था भाई क्या कर रहा था मैं, एक सेकंड, हाँ ये कर रहा था, और इसको मैंने लगभग कंप्लीट कर दिया, मैंने सारी वुड्स डाल दी थी बस, तो मैं दिखाने के लिए नहीं डाली है, देखो देखना गाइस 1 2 3 4 ऐसे बनेंगे, देख रहे हो तुम मैंने पहले सब में वुड डाल दी, देखो ऐसे जादू टोना कुछ नहीं हो रहा, देखो सब में 16 16 वुड पड़ी हुई है, अंधेरे की अंधेरी रात में मैंने ये सब कुछ डाल दिया था, देख रहे हो ऐसे मैजिक कर देता हूँ मैं, 1 2 3 3 ही हो पा रहे हैं फिर भी लोग खत्म हो गई, चलो भाई अभी सारी वुड ले आया हूँ वापस से बनाना चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 A to Z वुड खत्म हो गया भाई, ये लास्ट मतलब लास्ट सेकंड प्लैंक बचा हुआ है और ये पूरे नहीं हो पाएंगे शायद, ये वाला पूरा हो जाएगा इसमें 8 डल जाएगा, हाँ। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट बचा हुआ है स्टैक, इसको और डाल देता हूँ, बाकी भाई स्टोरेज रूम के लिए भी नहीं बची वुड, देख रहे हो तुम ये 3 तो बची गए, स्टोरेज रूम और बनाना था मेरे को अभी, तो देखो स्टोरेज रूम अपना बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो ये यहाँ लगेगा ये यहाँ लगेगा और बीच में लगेगा एक और गेट, और एक और गेट नहीं लगाएंगे ना तो इसको खुला छोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे 3 3 की रो गई है ना वैसे यहाँ पे भी 3 3 की रो जाएगी, बट अभी 3 रो छोड़ते हैं, अभी
वुड नहीं है, पहले यहाँ पे प्लांटिंग करना चालू करते हैं, स्प्रिंकलर्स लाते हैं बहुत सारे, और शायद एक मुझे वो भी बनाना पड़ेगा विंडमिल, क्योंकि उस विंडमिल का यहाँ तक इफेक्ट नहीं आएगा। बाकी अंधेरी रात में मैंने ये भी किया था, ये देखो कितनी सारी कलेक्ट हो गई। और तो और भाई एक कमेंट पढ़ा मैंने, जी सर जी, सर जी बोल रहे हैं इस कूलर के अंदर ये आ जाएंगे, आप कहाँ थे एक एक उठा उठा के रखता था मैं ये सारे अंदर डाल सकती बात है। ये पिछले 15 एपिसोड पहले नहीं बताए जा रहे थे, 15 एपिसोडों से ऐसे कर रहा हूं मैं, और ये एक एक डब्बे में आ गए सारे। अलग अलग उठाता था, एक एक पीस उठा उठा के रखता था मैं इस अपनी बोगी पे। भाई ऐसे हेल्पफुल कमेंट्स किया करो, हेल्पफुल मतलब क्या ही बताऊं मैं, इससे हेल्प नहीं हुई है मेरी, मेरा जीवन सुधर गया पूरा। फिर उठा लाया ये, भाई ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट किया करो तो मजा आ जाता। देखो सही बता रहा हूं, मुझे सही में नहीं पता था, मुझे लगा यार ये कर्ड इतनी बड़ी है, ठीक है कर्ड का ये इतना बड़ा है, कैसे आएगा कूलर में, तो मैंने कभी ट्राई नहीं करा, जीवन में कभी ट्राई नहीं करा, एक बार सोच के भी नहीं देखा कि क्या पता आ जाए। चलो इसमें आधा पेट्रोल है, ठीक है मैं इसको लेके चलता हूं यहां पे, पहले जाऊंगा बर्गर स्टोर पे, बर्गर बेस्ट बर्गर पे, ठीक है, उसके बाद मैं जाऊंगा जनरल स्टोर, वहां से लेके आऊंगा बहुत सारे फ्रूट्स, ग्रेप्स ही बिक रहे थे मेनली महंगे, तो ग्रेप्स लेके आऊंगा, फर्टिलाइजर लाऊंगा, और फिर देखो भाई कमाई होगी तगड़ी। अब ग्रीन हाउस के अंदर बनाया तो शायद जल्दी उग जाने चाहिए, क्या पता भाई कितनी देर में उगते हैं। और ये मैं डायरेक्ट छलांग मारता हुआ पता नहीं कहां जा रहा हूं। चलो भाई सब कुछ एक कूलर में भर के लाया हूं, देख रहे हो, अरे हट साले गाड़ी है चिरांद है भाई, जगह नहीं है यहां पे, गेट के सामने वो बना रखा है लोडिंग एरिया पागलों ने। लो भाई 3000 रुपए आ चुके हैं टोटल मेरे पास इस टाइम, 5600 कुछ रुपए हो गए। अभी मैं जाऊंगा ग्रेप्स लूंगा बहुत सारे, और अगर उससे कुछ महंगा मिल गया तो शायद वो है वाटरमेलन महंगा मिलता है, शायद वो ले लेंगे, जो भी महंगे सीड्स होंगे वो लेंगे, क्योंकि जहां तक मुझे उम्मीद है महंगे सीड्स महंगे प्लांट पैदा करेंगे। बाकी भाई तुम लोग एक और चीज कमेंट्स में बताना कि बहुत सारी वुड कहां से लाई जाए, जैसे प्लैंक हो गए या फिर वुड हो गई, दोनों एक साथ कहां से लाई जाए बहुत सारी, या फिर ऑप्शन ही नहीं है कोई, ऐसे काटो लॉग काटो एक एक रखो ऐसे, भाई बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं खरीदने लग गया हूं। और अगर एक नहीं खरीदता तो अभी इस टाइम मेरे पास 10,000 रुपए होते, पूरे 10,000 रुपए, ये पूरा खरीदो लॉक्स का बनाया ये पूरा का पूरा। अरे मैं यहां क्यों आ गया, मैं भी पागल आ, मेरे को जाना जनरल स्टोर, जल्दी जनरल स्टोर। ये लो पलट गई गाड़ी, पलट गई, रोक रोक गाड़ी, पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी, रुक जा, अरे ओ रुक गई, ओ भाई ये पेड़ आ गया वरना तो चली जाती है। चल भाई चल वापस, सही कर दिया मैंने गाड़ी वाड़ी, इसको रखो यहाँ पे, और अरे चलती बहुत एक तो गाड़ी। हाँ भाई अब मेरे को चाहिए एकदम मस्त वाली चीज, फार्मिंग वाला कहाँ है ये रहा। इसके अंदर तो ये है, हॉल में चलो हॉल में मिलेगा ये रहे। देखो सबसे महंगा सीड है ग्रेप सीड, ठीक है, बट इस बार मैं सब उगा के देखने वाला हूँ, क्या पता कौन सी चीज कितनी महंगी बिके। वाटरमेलन भी है यहाँ पे, कैबेज भी है, तो क्यों ना सब लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम ले लिए, और स्प्रिंकलर चाहिए मेरे को, स्प्रिंकलर 10 ऐड हो गए, अरे 10 से ज्यादा ऐड ही नहीं हो रहे, 10 में तो काम ही चलेगा, 2 फर्टिलाइजर ऐड कर लेता हूँ, और बस यही सब चीजें चाहिए, रुक जाओ इसे करो चेकआउट, इसके बाद मुझे चाहिए स्प्रिंकलर और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्प्रिंकलर और ले ले रहा हूँ, ठीक है ज्यादा महंगा वैसा भी नहीं। और अब इनको समेटूं कैसे, ये भी कूलर में आ जाते हैं क्या, जरा रुको, अब ये स्टोरेज बॉक्स है इसमें कुछ भी आ जाता है, ये नहीं उठा पाऊंगा, ठीक है सीड्स वगैरह रख सकता हूँ मैं बस, चलो सीड्स तो उठेंगे कम से कम, कुछ नहीं सीड्स तो मैंने सारे रख लिए हैं, ये भी रखो ये फर्टिलाइजर, ये भी, अब ये 20 स्प्रिंकलर कैसे उठाऊं मैं, कोई बात है 1 20, चलो भाई मैंने सारे उठा लिए, लास्ट बचा एक एक गिन के उठाए, पूरे 20 है, फटाफट सी चलो घर पे, और मेरे को ये सब उगाना है, देखते हैं कितने दिन में उगते भाई। वाटर के लिए तो मेरे को बुलाना पड़ेगा शायद, अरे हार्डवेयर स्टोर गया ही था मैं तो, अरे मतलब बेस्ट बर्गर गया ही था मैं तो, हार्डवेयर स्टोर से वो ले आना चाहिए था, बताओ मैं भूल जाता, बार बार जाता हूं इसलिए मेरा आधा पेट्रोल बीत जाता पूरा। कोई बात नहीं भाई अब ले आएंगे, पहले तो गाड़ी को लगाओ इधर, अब एक एक स्प्रिंकलर भी तो उठा के ले जाना पड़ेगा, बिल्कुल गेट पे लगाऊंगा इसको। अब ये स्प्रिंकलर कहां फिट होंगे जरा ये बताओ मुझे, कैसे फिट होंगे ये, तीनों पे दे देंगे क्या, काम कर देंगे तीनों पे एक साथ, या बीच में लगा दूं या फिर सब पे लगाना पड़ेगा, ये क्या सिस्टम, रुको अगर ये इस पे लगाऊं मैं, तीन दोनों पे देगा कि इन चारों पे दे देगा, भाई मेरे जहां तक दो पे एक काम करना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं ऐसे ऐसे लगाता हूं, अरे एक गिर मत, तू लग जा यहां पे, तो इन दोनों पे काम कर देगा जहां तक की उम्मीद है, रुक जाओ और लेके आओ, ऐसे ऐसे लगाता हूं, दो दो पे मस्त लगेंगे, ये भी दो पे काम करेगा, के बाद ये लगेगा यहां, ये भी दो पे काम करेगा। नो विंडमिल इन रेडियस, भाई ये विंडमिल बनाना पड़ेगा, देखो मैंने बोला था ना रेडियस में कोई विंडमिल नहीं है मेरे, और अच्छा अगर मैं विंडमिल बना दूं तो देख सकता हूं क्या कि कितने एरिया में मैं वाटर कर पा रहा हूं, तो पहले विंडमिल बना देता हूं, मेरा क्या है, खैर मैं बहुत सारे ले आया हूं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं बहुत सारे ले आया हूं, लाओ मेरे को विंडमिल का सामान ला दो, पहले जाओ भाई मेरे सामने से हटो, यहां पे जाने का ऐसे करके, भाई साहब क्या धुंध हो रही है एकदम जोर। चलो भाई अपन हार्डवेयर स्टोर आ चुके हैं, अभी यहां चलते हैं, और पहले तो विंडमिल के लिए 50 है ना, नहीं 500 तो मेटल खरीदना है, ये परचेज करो, बैक करो, अब मुझे देखना है तो मुझे एक और चीज
बनानी है, मुझे बनाना है ऑटोमेटिक फीडर, ठीक है, क्योंकि इसकी हो रही है कमी, या फिर बाद में लेके जाएंगे इसका सामान, ठीक है छोड़ो, अभी पैसा तो खूब पड़ा है, लेकिन इसको लगाना कहाँ है, उसकी लोकेशन नहीं है, इसकी लोकेशन मुझे पता है इसको कहाँ लगाना है, अभी मैं बताता हूँ तुम्हें कहाँ लगेगा। देखो ये आ गया मैं अपने रेंज पे, और अब बताओ कहाँ लगाया जाए विंड मिल, मुझे भी मतलब कन्फर्म नहीं है, एक सोचा है मैंने यहाँ लगा दूँ और एक मैंने सोचा है कि उधर की साइड लगा दूँ, क्या कहते हो ये विंड मिल यहाँ लगाया जाए? रुको जरा, इस विंड मिल को लो और पंखा इसका रखेंगे इधर की साइड, ठीक है, तो थोड़ा सा आगे, अरे सामान पड़े हैं बिखरे हुए, ओ ये पेट्रोल की टंकी पूरी भरी हुई है भाई यहाँ पे, और एक सेकंड मुझे ये देखना, तो ये विंड मिल कितनी अंदर लगा हुआ है, सेम लोकेशन पे लगाएंगे सेम, अच्छा ये तो बहुत ही अंदर लगा हुआ है यार, इतना अंदर थोड़ी लगाना है, रुको, वहाँ पे ये सीन ऐसा लगा हुआ है, देखो पहले तो ये लगा हुआ है, पहले तो वहाँ पे लगा हुआ है ऑटोमेटिक फीडर, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ, उसके बाद वो लगा हुआ है, इसको और दूर करो, भी दूर करो, इसको भी दूर करो, भी दूर, ठीक है, इसके बाद लगा हुआ है यहाँ पे विंड मिल इधर की तरफ चेहरा करता हुआ, ये भी ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ लगाऊं और ये बीचों बीच लगाए कि पहले तो ये देखो ये सही लगा हुआ है बीचों बीच, इसका एरिया कितना है, एरिया ये पूरा आना चाहिए वरना नहीं लगाऊंगा, अच्छा ठीक है ये वाला पूरा एरिया हो रहा है कनेक्ट हो रहा है, चलो भाई पूरा ग्रीन हाउस को ये ग्रीन कर रहा है तो मतलब सही है, यही बना देते हैं इसको, और ये ऑटोमेटिक फीडर भी यहीं पे बनाएंगे एक, और यहाँ पे बना दे बांध तो कैसा है तो बाद में देखेंगे भाई, बात की बात है, पहले मैं क्या करना चाह रहा था, पहले मैं विंड मिल बनाना चाह रहा था, इसको इधर लेके आओ, अरे गाड़ी है पलट जा, अरे मैं उठा, इसको उठाओ, इसको डालो यहाँ पे, इसको उठाओ, इसको डालो यहाँ पे, ये उठाओ, इसको डालो यहाँ, चलो भाई विंड मिल अपना बन चुका है पूरा, और रात भी हो गई है तो दूध निकालने का टाइम हो गया है गायों का, उससे पहले मैं ये देखाऊं ये स्प्रिंकलर कर रहे हैं कि नहीं, E2 स्प्रिंकलर अभी कितने एरिया में करा पता, तो आवाज तो पूरी आ रही है लेकिन पता नहीं पड़ रहा कितने एरिया में कर रहे हैं, राम खोर, छोड़ भाई मेरे को क्या करने का, मैं बहुत सारे ले आया हूं, मैं तो लगा देता, इतने इतने एरिया में तो कर ही देंगे इस पर, फिर भी ना करे तो मैं और लगा दूंगा, इधर लग गया, इधर लग गया, एक लगेगा इधर की साइड, एक लगेगा यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ पे, एक, सही लिया है भाई मैं स्प्रिंकलर, देखो अभी मेरे पास दो चार बचे हैं और पूरे में लग गए ये, तो अभी अभी के लिए करते हैं लाइट बंद, और भाई मैं और एक्स्ट्रा ला सकता था मेटल तो यहाँ की लाइट्स भी बन जाती, बट नहीं मैं तो भूल जाता हूँ हर वक्त, अभी इनका दूध निकाला जाए कि नहीं निकाला जाए छोड़ो भाई, कल ही निकालेंगे, अभी के लिए मैं सो जा, लेट्स गो भाई, आज के दिन अपन उगाने वाले हैं सारे प्लांट्स, और फर्टिलाइजर है मेरे पास सब कुछ है, बस इस ट्रॉली को उठाना है और यहाँ रख, लाओ भाई देते जाओ सब कुछ देते जाओ, एक एक चीज करके बाहर रख पहले, हाँ ये क्या है, कौन से है ये, पाइन एप्पल है, इसमें उगा दूं, इसमें उगा दूं, पाइन एप्पल ओके खत्म हो गया, उसके बाद ये है मेरे पास स्ट्रॉबेरी, इसमें हो गया, इसमें हो गया, इसमें हो गया, इसमें हो गया, ठीक है, उसके बाद ये है मेरे पास पम्पकिन उगा दो, पम्पकिन उगा दिया पूरा मैंने, ठीक है, तीन तीन में आ रही है, एक एक और सीड लेके आनी पड़ेगी, खाली रह गई, जैसे ये खाली रह गई है, ये खाली रह गई है, और यहाँ पे ये खाली रह गई है, अभी पानी कैसे भरेंगे इसके अंदर, मेरे को ही करना पड़ेगा ये, अरे ये तो घटिया चीज है यार, अरे एक स्प्रिंकल करा कितने बड़े एरिया में, अरे इतने सारे स्प्रिंकल लगाने की तो जरूरत ही नहीं थी मुझे, 1 2 3 4 5, अब स्प्रिंकल भी मेरे को करना पड़ेगा क्या, खुद से कर लो यार स्प्रिंकल ऐसे मत, और अभी तो बहुत सारे सीड बच गए, वाटरमेलन निकाल लूं क्या, वाटरमेलन बचे हुए में लगा देता हूं, जो बच गए ना, जैसे एक इधर बचा हुआ है, एक इधर बचा हुआ है, एक इधर बचा हुआ है, और एक इधर, चलो सब में लगा दिए, अभी एक बार के लिए मैं बीच वाला टैप ऑन कर देता हूं सबका, तो सब में स्प्रिंकल हो जाएगा, देख रहे हो, बीच बीच में लगाना चाहिए था बस एक एक, और कहीं लगाने की जरूरत ही नहीं थी, ये देखो ये सारे खाली दिख रहे हैं, अभी देखना तुम ये सारे भर जाएंगे, ये भी सारे भर जाएंगे, बस एक एक लगाने की जरूरत है, चलो अभी बारी आती है फर्टिलाइजर की, दियो जरा फर्टिलाइजर, 1 2 3 4 5 6 6 में कितना कट गया, 1 2 3 4 5 6 अभी कितना कट गया, अब बचा है एक, ठीक है, तो 6 6 के अंदर मतलब दो पॉट्स के अंदर करने के बाद वापस इगड़म बिगड़म करनी होगी मेरे को, इगड़म बिगड़म और वापस 1 2 3 4 5 6, चलो भाई सब में मैंने फर्टिलाइजर डाल दिया है, पानी डाल दिया है, और अब शायद अपने आप हो जाना चाहिए, सनलाइट वगैरह थोड़ी सी, तो मैं सनलाइट भी मैं डालू है, ग्रोथ तो हो रही है, नीचे सनलाइट वाला एरिया का पता नहीं क्या होगा, बाकी ये ग्लासेस मेरे पास पड़े हैं, ये ग्लास उठाओ इधर से, इसके अंदर डालो, ठीक है इसके अंदर डालो, और तीन तीन वुड तो पड़ी होगी मेरे पास, ये इसमें डालो, ये बन गया, ये थोड़ी सी वुड पड़ी मेरे पास यहाँ पे, इसको डालो इसके अंदर, बस अभी मुझे यहाँ देखो क्या बनाना, पहले ये टेबल नहीं बनेगी यहाँ पे टेबल का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे बनेगी देखो ऐसी सेल्फ, ठीक है, ये एक कोने में एकदम, ये दो और ये तीन, एक और बन जाए यार, अरे नहीं बन रहा, ठीक है इसको टेढ़ी करके रख देते हैं ना, अगर ऐसे रख दें तो कैसी लग रही है बताओ, वैसे आ जाएंगी एक ही में, तीन आ जाएंगी, एक से एक दो, और ये भाई देखो आ गई तीन, ये तीन देख रहे हो गाइस, ऐसे लगा देता हूं, बस ये तीन यहां बन जाएंगी, तीन वहां बन जाएंगी, और जरूरत पड़ी तो यहां पे भी बन जाएगी, यहां भी बन जाएगी, और बहुत सारे कूलर ला के रख दूंगा जिसके अंदर ये पेड़ उगने लग गए भाई, सही सीन है, पेड़ उगो, और अब तो शायद स्प्रिंकलर अपने आप चल रहे हैं, मुझे तो बस एक बार चलाने की जरूरत पड़ी, देखो पानी किसी में कम नहीं हो रहा है, इधर 90 हो गया है, इधर 100 ही पड़ा हुआ है, अभी इधर भी 90 हो गया शायद, 100 नहीं, ठीक है अपने आप चल रहे हैं, देख लेंगे भाई बाद में, इन सब पेड़ों को उगने देते हैं पहले, तो जब तक यहां से चलते हैं इसको होने देते हैं, और भाई अब बताओ क्या मस्त लग रहा है ना, अभी पूरा नहीं हुआ है अंदर का यार, बहुत सारी वुड चाहिए, बहुत सारी वुड, यहां की वुड लाने में मैं पूरा कंगाल हो गया, बताओ दूसरी साइड की वुड तो मैं कैसी लाऊंगा, अभी भाई बस मस्त रेवेन्यू जनरेट हो जाए, अरे हट जा पिगी, और इनसे भी रेवेन्यू तो जनरेट होगा, अभी दे रहे हो कि नहीं तुम, दूध दे रहे हो, हां दे रहे, चलो ये, अरे उठ,
ए हट जा, अरे वो लेके बैठ गई है। अब ये कैसे निकालूं मैं इसके अंदर से? ओ यहाँ पे दिख रहा है। चलो इन लोगों का दूध ले लेके भाई जो पैसा बन रहा है वो तो मैं बना ही रहा हूँ। अब मुझे ये देखना है ग्रीन हाउस से कितना पैसा मिलता है और कितने दिनों में कितना कितना पैसा मिलता है। बाकी मेरा लोन भी चुकने, भाई मेरा लोन चुक चुका है, डन। सही है भाई, अब मैं 2500 का और लोन ले सकता हूँ, तो एक तो वो हो जाएंगे। बाकी 5-6 हजार रुपए अगर मैं इकट्ठे कर लूं तो अगले एपिसोड में अपन फार्मिंग कर सकते हैं, वो बड़ी वाली फार्मिंग जो उधर की साइड प्लॉट्स नहीं देके गए अपने को दादाजी, वहां पे करेंगे फार्मिंग। भर गई है? नहीं भरी ना अभी, ये दे इसमें डाल। और मेरे को काउस के लिए भी अलग जगह बनानी है जहां पे ये झंझट नहीं करना पड़े पकड़ के लाने का। वो करें पहले कि पहले अपन फार्मिंग करना चालू करें। फार्मिंग में यार टाइम बहुत लगेगा, तो वाली बात नहीं है। रखो इस पे, इसको लो, इसको बंद करो, इसको लो, और सब में मैंने मोल्ड डाल दिया। चलो अभी ये दियो रे तू, अरे एक सेकंड रुक 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 रुक, ये दो, इसको डालो इसके अंदर और दूध देगी अभी ये। चलो अभी ये बनने देते हैं, ये बन गया एक तो। चलो भाई ये सारा काम तो चलता रहेगा। अभी मैं आने वाले एपिसोडों में इतने बड़े एरिया में कोई एक स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं, वो भी पूरा मैन्युअली, तो तुम लोग सब्सक्राइब करके रख लो। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही लो। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।